उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बानसूर पंचायत समिति सभागार में किसान फसल बीमा योजना को लेकर कृषि पर्यवेक्षकों के साथ बैठक ली। मंत्री ने किसानों को ज्यादा से ज्यादा फसल बीमा योजना में जोड़ने के निर्देश दिए। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बानसूर पंचायत समिति सभागार में कृषि पर्यवेक्षक के साथ बैठक कर किसान फसल बीमा योजना में ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाने की बात कही। वहीं राज्य सरकार द्वारा जारी बजट को लेकर उद्योग मंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो घोषणा की थी कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, वो तो हुई नहीं, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस बार किसान वर्ग की समस्या को ध्यान में रखते हुए एक समस्या के समाधान का एवं किसान को किस तरह अधिक से अधिक लाभ मिले ऐसी सारी योजनाएं बनाई है। चाहे बीमा पॉलिसी में सुधार करना हो, ग्रीन हाउस लगाना हो, ड्रिप ड्रिप की योजना हो, जैविक खेती करनी हो, किसान मित्र योजना जिसमें किसान का 1,000 का बिल माफ होता है, जिसमें किसान वर्ग को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार जो बजट पेश किया जिसमें कर्मचारी वर्ग हो, पुरानी पेंशन योजना लागू करना, महिलाओं की योजना हो, व्यापारी वर्ग सहित सभी योजनाएं हर वर्ग को टच करने वाली योजनाएं बनाई गई। इसमें राजस्थान समृद्धशाली बने, संपन्न बने, ऐसी मुख्यमंत्री की सोच है और दृष्टिकोण है, वो पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बजट की सभी जगह सराहना हो रही है, ये बजट राजस्थान को शक्तिशाली बनाने वाला बजट है। ने तो जो दुगनी आय की कही थी वो तो करी नहीं, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी सबको, पता नहीं कौन कौन सा नीम का कौन सा देसी खाद मिलेगा वो करेगा, वो तो मिला नहीं। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने इस बार किसान वर्ग को, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर कृषक वर्ग है, किसान की हर समस्या को ध्यान में रखते हुए एक एक समस्या के समाधान का और किसान को किस तरीके से अधिक लाभ दिया जाए सारी योजनाएं एक एक करके ऐसी योजनाएं बनाई हैं। चाहे बीमा पॉलिसी में सुधार करना हो और जो कृषक अपना चाहे ग्रीन हाउस जो पॉली हाउस लगाते हैं वो लगाना हो, ड्रिप ड्रिप की हो योजना हो, चाहे जैविक खेती करना चाहे तो उसके लिए हो, और किसान मित्र योजना जिसपे कि 1,000 रुपये कृषि का बिल उसका माफ़ होता है हर महीने। तो ऐसी योजनाएं जो किसान के हक की योजनाएं बनाई है राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने इस बार जो बजट पेश किया है, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे उनकी जो पुरानी पेंशन योजना हो और महिलाओं के लिए योजना हो, तो एक एक जो बनाई है हर वर्ग को टच के, व्यापारी वर्ग के लिए, औद्योगिक के क्षेत्र में के लिए, जो इतना श्रमिक के लिए, तो एक एक वर्ग को टच करने वाली योजना है जिससे कि राजस्थान समृद्धशाली बने, संपन्न बने, ऐसी मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है, जो विजन है, जो पूरा होने जा रहा है, आपने बजट में देखा होगा बहुत ही सराहनीय बजट रहा है। सभी जगह हम जहां भी जा रहे हैं तो बहुत ही बजट की सराहना हो रही है, हर वर्ग सराहना कर रहा है। तो ये एक राजस्थान को समृद्धशाली बनाने वाला बजट है। और आज का जो प्रोग्राम था, ये किसानों के लिए जो बीमा पॉलिसी होती है उससे जुड़ने पर उनको किस तरह से उनको जानकारी दी जाए कि आप जुड़ना चाहते हैं, नहीं स्वैच्छिक है, तो ये सारे अभी हमने ये पत्र इनको वितरित किए हैं किसानों को।